दोस्तों, एक अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए आपको काइन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। काइन मास्टर से आपको मैं बता दूंगा कि कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको ये प्लस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, उसके बाद 16:9 रेशो वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद मीडिया पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक बैकग्राउंड चूज करना है, अगर आपके पास कुछ अलग है तो वो भी आप ब्राउज कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड कलर चूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको बस सिंपली फिर से एक लेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे जाना है। उसके बाद आपको फिर से बैकग्राउंड चूज कर लेना है एक। यहाँ से मैं अभी थोड़ा सा रेड कलर का बैकग्राउंड चूज कर लूँगा। उसके बाद आपको इसको ठीक से लगाना है, जिसके लिए आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा टिल्ट करके हमें एक साइड में एडजस्ट करना है और जूम करना है उसको थोड़ा सा। सीधा करने के बाद एक कोने पे लगा दीजिएगा, जैसे मैंने किया वैसे ही फॉलो करिए बस। उसके बाद आपको फिर उसको एडजस्ट कर लेना है। फिर से लेयर पे जाके आपको मीडिया पे जाना है। उसके बाद दोस्तों, जो भी आपको एक PNG इमेज है लगाना है वो चूज कर लेना है। जैसे कि मैंने अभी ये थंब वाला मेरा जो PNG इमेज है, पहले से बना के रखा था मैंने PNG इमेज, उसको मैंने एक कोने में लगा लिया है। उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर से आपको लेयर्स पे जाना है। उसके बाद फिर से आपको मीडिया पे जाके एक और बैकग्राउंड कलर चूज कर लेना है। जैसे कि मैं ब्लैक चूज कर रहा हूँ, तो ब्लैक चूज करने के बाद इस पे ऑप्शन पे जाके क्रॉपिंग सेक्शन में जाके उसको थोड़ा सा क्रॉप कर लीजिएगा, आधा लगभग आधा क्रॉप कर लीजिएगा। उसके बाद उसको थोड़ा सा बड़ा करके एक कोने में एडजस्ट करने के लिए आपको एक लाइन में लगा दीजिए उसको। जैसे आपका क्रिएटिविटी लेवल होगा उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। फिर सॉलिड कलर नीचे लिखा हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। तो देख लीजिए आपका जो कलर है वो पीछे चला गया है इमेज के। तो उसके बाद आप उसको चाहिए तो एडजस्ट कर लो आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से, आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों बस फिर से लेयर पे जाना है। उसके बाद टेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है दोस्तों, और जो भी आपको लिखना है, मतलब अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हो उसका जो टाइटल होगा वो लिख देना है थोड़ा बहुत। ज़्यादा कुछ मत यहाँ पे एक्सप्लेन मत कीजिएगा, वरना अगर आप थंबनेल पे ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे तो कोई भी व्यूअर आपका वीडियो देखेगा नहीं। तो थोड़ा ही लिख लीजिएगा जितना कि अट्रैक्टिव लगे। तो मैंने अभी जैसे मराठी में लिखा है, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी में चैनल है तो। फिर उसके बाद उसको जो चाहिए वो कलर चूज कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर उसको थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए आप आउटलाइन को इनेबल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कलर भी उसको वाइट वाला दे सकते हैं, थोड़ा सा उठ के दिखे इसलिए। फिर जो है उसका वो बढ़ा के थोड़ा सा एट्रैक्टिव करने की कोशिश करें। उसके बाद दोस्तों आपको लेयर पे जाना है, फिर से मीडिया पे जाना है। फिर जो आपको रिगार्डिंग वीडियो के रिगार्डिंग जो भी PNG इमेज है वो लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी काइन मास्टर में जो सिखाने जा रहा हूँ उसका काइन मास्टर का लोगो दिया है, तो मैंने वो सिंपली रख दिया आगे। फिर उसके बाद मैं फिर से लेयर पे जाके मीडिया पे जाके एक यूट्यूब का थंबनेल बनाऊंगा। तो देख लीजिए, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे है, उसको बना के रखा है PNG इमेज। तो यूट्यूब को मैं एडजस्ट कर लूँगा ऐसे। तो जैसे कि मेरा टॉपिक है कि 2 मिनट में यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखे, तो मैंने वो बना दिया है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको फिर से लेयर में जाना है, इस बार टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पे बस सिंपली थंबनेल लिखना है, मतलब जो भी आपका होगा
टाइटल उसके हिसाब से आप लिख लीजिएगा। तो जैसे मैं अभी थंबनेल लिख दिया है, फिर इसको मैं जूम करूँगा, प्रॉपर साइज में करूँगा ताकि अट्रैक्टिव लगे। तो फिर आप उसके फॉन्ट भी बदल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, उन पे क्लिक कीजिए, जो चाहिए सिलेक्ट कर लीजिए और बस लगा दीजिए। तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है हमारा जो है YouTube थंबनेल। उसमें आप अपने चैनल का लोगो भी डाल सकते हैं, PNG इमेज अगर होगा आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा जो भी ये आपका लेयर है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे मेरा अपने चैनल का लोगो डालने वाला हूँ मीडिया में जाके, तो मैंने अभी एक अपना लोगो जो तैयार करके रखा है PNG वाला, वो मैं चूज़ करके उसको छोटा करूँगा, बहुत सारा एकदम छोटा करूँगा, और एक कोने में लगा दीजिए यहाँ पे रेड वाली पट्टी पे, ताकि थोड़ा सा आपके चैनल का भी पता चल सके। तो बस लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है कैप्चर एंड सेव, उस पर क्लिक करके आप उसको फ्रेम में सेव कर सकते हैं। उसके बाद वो इजीली आपको गैलरी में मिल जाएगा दोस्तों।